अच्छा रुको एक मिनट, एक मिनट क्या बात है एसपी साहब? आदाब मैम। नाले पे जा रहे हैं हमने। मैम वो नहीं दिया है और एसएसजी डायरेक्टर की चिट्ठी है हमारे पास कि आपको ऐसा नहीं करना है, कॉन्वॉय में जाना है गाड़ी पे। तो गाड़ी के अंदर ये देखिए क्या कर रहे हैं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है यहाँ की, पब्लिक प्रॉपर्टी है। हेलो, जा रहा है जरूर उधर। एक मिनट ये एसएसजी, एसएसजी रुकिए, ओ एक मिनट यार, बताया है ना आपको क्यों आप ऐसे कर रहे हैं? नहीं नहीं आराम से, क्यों हमें हाथ नहीं है अगर जाने का, ये कौन सा कानून है? जगह दीजिए तहसीलदार साहब, बताओ यार आप मैं तेरी गाड़ी ले आई ले आई गाड़ी ले आई गाड़ी ले आई पाँच अगस्त से आपने देखा कि जम्मू कश्मीर की सूरत क्या बन रही है। यहाँ घर से लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। यहाँ आपके मालूम है आपका, हमारे यहाँ नाले हैं जिनमें यहाँ के लोगों का जिनका हक है वहाँ से रेत और बाजरी निकालना, उनको निकालने नहीं दे रहे हैं, बल्कि बाहर से किसी पंजाब या हरियाणा से किसी को लाया गया है जो टेंडर अलॉट किए बगैर ही डीसी साहब की मदद के साथ साथ यहाँ गैर कानूनी तरीके से, इल्लीगल तरीके से यहाँ रेत और बाजरी निकालते हैं, रेत और बाजरी निकाल रहे हैं और उनको एनवायरमेंटल कोई क्लियरेंस नहीं है, इजाजत नहीं है, पर उसके बावजूद यहाँ करोड़ों रुपए की रेत निकाली जाती है, बाजरी निकाली जाती है और यहाँ जो लोकल लोग हैं उन बेचारों को खाने के लाले पड़े हैं, जिनका रोजगार इसी पे डिपेंड करता था वो बेरोजगार गए हो गए हैं और नालों को इन्होंने खंडरात बना दिया है, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में पानी भी आएगा, इन लोगों को यहाँ मुश्किल हो जाएगी, हमारे चश्मे सूख रहे हैं और यही नया कश्मीर जो है मरकजी सरकार बनाना चाहती है। यहाँ के लोगों को बंद करके मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है, मैं को कोई मिलिटेंट हूँ क्या? क्यों नहीं मुझे इजाज़त दी जा रही है? मैं जाके देखूँ कि उन्होंने जहाँ पर एक फुट खोदना था वहाँ 20-20, 25-25 फीट खोद के वहाँ से रेत और बाजरी निकाली जाती है। जम्मू कश्मीर को कंगाल किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के जंगल लूटे जा रहे हैं, रोजगार के नाले, यहाँ का रोजगार सब कुछ खत्म हो रहा है। मैं तो आके देखना चाहती थी कि क्या हाल है उस नाले का, ये जो नाले हमारे जम्मू कश्मीर में, जम्मू में भी लोग रो रहे हैं, वहाँ भी नालों से बाहर के लोग आके बाजरी और रेत निकाल रहे हैं, यहाँ भी वही हाल है, वहाँ भी लोग बेरोजगार हो रहे हैं, यहाँ भी लोग बेरोजगार हो रहे हैं और बाहर से लोग आके यही बाजरी यही रेत हमें 100 गुना कीमत पे बेचते हैं, जिसकी वजह से यहाँ कीमतें बढ़ गई। अगर कोई चीज़ 500 रुपये का था आज वो 10,000 रुपये का मिलता है, तो ऐसे कैसे चलेगा? इन्होंने जम्मू कश्मीर को कैद खाना बना के रखा हुआ है और कहते हैं नया कश्मीर, ये नया कश्मीर है, ये नया कश्मीर, इनकी शक्लें देखिए, जुर्माना दिया है, मैं कब 50,000 कमाऊंगा? हालत देखिए, अगर खुदा ना खास्ता अगर ये लोग फिर बाद में तशद्दुद पे उतर आए तो फिर क्या होगा? ये कहाँ जाएंगे ये लोग? आप तो सब्र से 15 लाख मेरा फाइनेंस है, क्या करेगा 15 लाख इसका फाइनेंस है, इसने हमें जाना है बाप की, आपने देखा वहाँ जाने नहीं दे रहे हैं ये लोग, इतने कहाँ जाने देंगे, ये तो मिला हुआ है, इन्होंने पैसे खाए हुए, पूरे जम्मू कश्मीर को कैद खाना बना के रखा है और कहते हैं करप्शन हमने खत्म की, सबसे ज्यादा करप्शन तो यहाँ हो रही है, जो मिली भगत हो रही है यहाँ।